कुछ लोगों का साइड फैट ज्यादा होता है जो आपके पेट के आसपास यानी दोनों साइड में, ये जो फैट होता है कुछ लोगों की कमर में ज्यादा होता है, तो वो इस चीज को खत्म करना चाहते हैं। उनकी बॉडी तो फिर भी ठीक ठाक होती है लेकिन साइड फैट ज्यादा दिखता है और वो इस चीज से परेशान होते हैं, क्योंकि जब आप कोई भी ड्रेस पहनते हैं, फिटिंग वाली पहनते हैं, तो साइड फैट साइड से निकलने लगता है और दिखने लगता है। तो इसको कैसे रिड्यूस करना है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज आज की वीडियो में बताने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान और मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। जो एक्सरसाइज आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ साइड फैट को रिड्यूस करने के लिए, तो आप पहले जो एक्सरसाइज करते हैं, जो भी एक्सरसाइज आपने अपने डेली रूटीन में शामिल की हुई है, तो उन्हीं एक्सरसाइज में आप इन एक्सरसाइज को शामिल करेंगे। ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ यही एक्सरसाइज करें और सोचे हमारी पूरी बॉडी का वर्कआउट हो जाएगा, या यही एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए कहीं का भी फैट रिड्यूस करने के लिए। आपको अपनी और एक्सरसाइज में इन एक्सरसाइज को शामिल करना है, तो आपको अपनी दूसरी एक्सरसाइज में जो आप डेली करते हैं उन एक्सरसाइज में जो आज बताने वाली इन एक्सरसाइज को भी शामिल करना है, और तभी आपका पूरा वर्कआउट बनेगा। तो पहली एक्सरसाइज में आपको कुछ वेट की जरूरत है, जो भी वेट आप उठा सकते हैं आसानी से, यानी आपने पहले कोई वेट अगर नहीं उठाया है, अभी आप शुरुआत है आपकी, तो कम से कम वेट उठाए। तो मैंने लिया है 4 kg का वेट, ये मेरे लिए एकदम कंफर्टेबल है। आप 1 kg का वेट या 2 kg का वेट अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो पहली एक्सरसाइज में इस तरीके से आप कोई वेट ले लें, बोतल भी ले सकते हैं पानी भर के, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और हाथों को ऐसे सीधा रखना है और इस तरीके से दाएं बाएं आपके जो पैर हैं वो मूव नहीं होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपका जो अपर बॉडी है वो आप मूव करेंगे। कम से कम आपको ये 30 सेकंड के लिए एक्सरसाइज करनी है, धीरे धीरे करके टाइम बढ़ाते जाएंगे और अपना वेट भी बढ़ाते जाएंगे, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे आपको करना है, जल्दी से नहीं करना है। सेकंड एक्सरसाइज में अपने लेग्स को थोड़ा सा खोल लेना है और अपने हाथ में जो भी वेट उठाएंगे दोनों हाथों से पकड़ना है। उसके बाद हल्का सा नी को बैंड करेंगे, झुकेंगे, और जो वेट है आपका वो बिल्कुल नीचे जाना चाहिए, जितने आपके हाथ नीचे जा सकते हैं उतने नीचे वेट को ले जाएंगे, और फिर ऊपर की तरफ ऐसे जैसे आप फेंक रहे हैं। ऐसे ही आप दूसरी साइड से करेंगे। तो ये एक्सरसाइज भी आपको कम से कम 30 सेकंड के लिए करनी है और धीरे धीरे आपको टाइम बढ़ाते जाना है और रेपिटेशन भी। तो थर्ड एक्सरसाइज में अपने हाथों को अपने सर के पीछे रखेंगे इस तरीके से, और हल्का सा आपको इस साइड में मूव करना है और इस तरीके से मूव करना है और अपोजिट लेग को उठाना है। जैसे मैं इस हाथ को अगर इस साइड में ले जा रही हूँ तो इस लेग को उठाना है, अगर इस साइड में मूव करूँगी तो इस लेग को, देखिए कैसे। ये एक्सरसाइज भी आपको 30 सेकंड के लिए करनी है। लास्ट और फोर्थ एक्सरसाइज में एक हाथ को अपनी कमर के ऊपर आपको रखना है, दूसरे हाथ को ऊपर उठाना है। ऊपर उठाने के बाद आपको ये हाथ नीचे लाना है और उसी लेग को अपने ऊपर उठाना है, यानी इस तरीके से ऐसे। तो देखिए कैसे करना है, ऊपर उठाने के बाद पूरा अच्छे से स्ट्रेच करना है, जितना आप हाथ को ऊपर ले जा सकते हैं
और कमर को भी अच्छे से स्ट्रेच देना है, जैसे यहाँ से खिंचाव आता है उस तरीके से। अब ऐसे ही दूसरे हाथ से, तो ये एक्सरसाइज करिए और आसानी से अपने साइड फैट को रिड्यूस करिए। और इसके साथ ही आपको अपने खाने पीने में भी चेंजेस लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हेल्दी खाइए और क्लीन खाइए और अपना पूरी बॉडी का जो एक्स्ट्रा फैट है उसको भगाइए। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। और इसके साथ ही आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।